अपनी मांगों के समर्थन में मिड डे मील यूनियन कार्यकर्ता शनिवार को एक बार फिर सड़क पर उतरे। जिले भर के मिड डे मील कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित अपना मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा। 14 दिसंबर 2019 को मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा संबंधित AIUTUC को बैनर तले जिले भर से मिड डे मील कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर स्थानीय दिनोद गेट स्थित चेतराम प्रजापति धर्मशाला में एकत्रित हुए। मिड डे मील कार्यकर्ता शहर में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाती हुई जिला उपायुक्त भिवानी के कार्यालय पर पहुंची और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार चंडीगढ़ के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला प्रधान मीरा देवराला ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उनकी प्रमुख मांगों में मिड डे मील कुक को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये लागू करना, मुख्यमंत्री द्वारा 13 सितंबर 2019 को घोषित मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शीघ्र लागू करवाने, ड्रेस का रंग बदलवाना, बच्चों की संख्या घटने पर किसी भी मिड डे मील कुक को हटाकर दूसरे स्थान पर समायोजित करना इत्यादि योजनाएं शामिल हैं। प्रदर्शन का संचालन जिला सचिव राजबाला ने किया। प्रदर्शनकारियों का AIUTUC के जिला कमेटी के सदस्य राजकुमार बासिया व राजकुमार जांगड़ा ने संबोधित भी किया। टीयूसी का कार्यकर्ता ये हमारी बहनें आज जो प्रदर्शन कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगी मार्फत उपायुक्त महोदय भिवानी को। इनकी मांग है, इनको सबसे पहले सरकारी स्कूलों में ये खाना बना रही है, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है, इनको जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, इनको कम से कम 21,000 रुपये महीना वेतन लागू किया जाए। तीसरी मांग है इनकी, इनकी जो ड्रेस के पैसे 600 रुपये में ना तो सिलाई होती ना ड्रेस आती, कम से कम 2,000 रुपये ड्रेस के लागू किए जाए एक साल के।